Welcome to Speak in English class. I am Syed Nadir Kasmi and you are watching Learn More with Nadir Kasmi. Hello everybody, welcome once again. इस सीरीज में हम इंग्लिश में जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जो कॉमन आंसर्स दिए जाते हैं उनको बहुत ही ईजी और फनीएस्ट वे में पढ़ेंगे. एंड दिस सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. If you want to speak English like native speakers, then don't go away. Stay connected with us and to subscribe to this channel before we get started. इस लेसन में हम जो क्वेश्चन है हाउ आर यू, इसको नेटिव स्पीकर्स डिफरेंट वेज में कैसे पूछते हैं और इसका डिफरेंट वेज में कैसे आंसर देते हैं वो पढ़ेंगे. हमने अब तक अपनी टेक्स्ट बुक्स में हाउ आर यू और आई एम फाइन पढ़ा है, लेकिन जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इसको डिफरेंट वेज में पूछते हैं और इसका डिफरेंट वेज में जवाब देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज हाउ आर यू, वी यूजुअली रिप्लाई आई एम फाइन. बट हेयर आर सम अदर वेज टू आंसर दैट सेम क्वेश्चन हाउ आर यू. द फर्स्ट वन इज इफ समवन आस्क्स यू How are you? Then you can reply, pretty good, pretty good. इसका मतलब तकरीबन वही है जो I am fine का है. And you can also say, not bad, not bad. This means I am just okay. Now let's look at our question again. How are you? ये question हम तब पूछते हैं जब हमें किसी के बारे में ये जानना होता है कि वो कैसा है. बट देयर आर ऑल्सो सम अदर वेज टू आस्क हाउ समवन इज. लेकिन हाउ आर यू के अलावा कुछ और तरीके भी हैं किसी के बारे में ये जानने के लिए कि वो कैसा है. एंड दीज वेज आर वेरी कॉमन अमंग द नेटिव स्पीकर्स. और वो तरीके नेटिव स्पीकर्स के दरमियान बहुत आम हैं, वो इसे कॉमनली यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज इफ समवन वांट्स टू नो हाउ समवन इज, then he can ask, hey, how's it going? How is it going? और आप इसका जवाब भी बहुत तरीकों से दे सकते हैं. अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं then you can reply, good, good, or pretty good, pretty good. Or you can also say, not bad, not bad. अब यहाँ पर एक बात है, हालांकि गुड, प्रीति गुड और नॉट बैड की मीनिंग आई एम फाइन से सिमिलर है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हाउ इज इट गोइंग तो उसके आंसर में आप आई एम फाइन नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मीनिंग कुछ स्ट्रेंज है. और अगर आपसे कोई पूछता है हाउ इज इट गोइंग और अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे देन यू कैन आंसर नॉट सो गुड, not so good. और जब आप ये कहेंगे not so good तो लोग definitely आपसे पूछेंगे why, what's wrong, क्यों, क्या हुआ है. then you will have to explain. फिर आपको उसकी वजाहत करनी पड़ेगी. फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ है वही आप एक्सप्लेन करेंगे. let's suppose अगर आपको बुखार है तो आप कहेंगे I have fever, I have fever. और अगर आपको सर में दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक. और अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, फॉर एग्जांपल आई लॉस्ट माय मोबाइल, ईटीसी. एंड नंबर थर्ड वे व्हिच इज वेरी सिमिलर टू हाउ यू इज व्हाट्सएप, व्हाट्सएप. इसका मतलब है क्या चल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसी दौरान आपको दोस्त आता है और आपसे कहने लगता है व्हाट्सएप, तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हो नॉट मच और नथिंग मच. इसका मतलब है कि आप उससे बात करने के लिए फ्री हो. हे, व्हाट डिड यू लर्न? कमेंट बिलो. डू यू नीड मोर वीडियोस लाइक दिस? इफ यू डू देन बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.